दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे सिंगर और सॉन्ग राइटर की जो कि सिर्फ एक गाने की वजह से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुके हैं और उनका गाया हुआ गाना डेस्पासितो अभी तक का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजिक वीडियो है जिसे कि अभी तक पूरी दुनिया में 5 बिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने को 12 जनवरी 2017 को यूट्यूब पर पब्लिश किया गया था और देखते ही देखते यह इतना फेमस हो गया कि दुनिया भर के लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में इस गाने की पैरोडी भी बनाई। और दोस्तों लुइस फोंसी के मात्र इसी गाने ने 4 लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किया है जो कि किसी भी गाने के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों इस गाने को एक रैपर के साथ बनाया गया था जिसका नाम है डैडी यंकी, लेकिन अभी हाल ही में इस गाने को पसंद करने वाले लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर आई थी जब साइबर सिक्योरिटी में एक छोटी सी चूक हो जाने की वजह से हैकर्स ने इस गाने को डिलीट कर दिया था और ऐसे में कुछ घंटों तक इस गाने का ओरिजिनल वीडियो यूट्यूब पर मौजूद नहीं था, लेकिन जल्दी काफी प्रयासों के बाद इसे वापस लाया गया और अब यह वीडियो फिर से यूट्यूब पर देखा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे डेस्पासितो सॉन्ग को गाने वाले सिंगर लुइस फोंसी के बारे में। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1978 से जब प्यूर्टो रिको के सैन जोन में लुइस फोंसी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अल्फोंसो रोड्रिगज और उनकी माँ का नाम डेलिया है, साथ ही उनके एक छोटे भाई और एक छोटी बहन भी है। लुइस फोंसी को बचपन से ही म्यूजिक से काफी लगाव था और वो मैनुडो नाम के एक बैंड को फॉलो किया करते थे और यहीं से उनमें सिंगर बनने की भी चाहत पैदा हुई। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सैन जोन चिल्ड्रन स्क्वायर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जहाँ पर बेसिकली 6 साल के उम्र के बच्चों को लिया जाता है और फिर आगे चलकर उन्होंने डॉक्टर फिलिप्स हाई स्कूल से पढ़ाई के दौरान बिग गाइज नाम का एक ग्रुप ज्वाइन किया जो कि लोकल इवेंट्स और स्कूल पार्टीज में गाया करता था। और इस तरह से बचपन से ही सिंगिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करने की वजह से लुइस फोंसी को क्राउड का एक्सपीरियंस बहुत ही कम उम्र में हो गया और फिर आगे चलकर उनके टैलेंट को देखते हुए म्यूजिक की पढ़ाई के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली जिसकी मदद से उन्होंने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और यहाँ पर पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कई सारे देशों में जा जाकर परफॉर्म करने का मौका भी मिला और जल्द ही म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक लैटिन से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और फिर उनकी पहली एल्बम आई 1998 में जिसका नाम था कॉमनजर। यह एल्बम काफी पॉपुलर हुई और बिलबोर्ड के लैटिन एल्बम चार्ट पर 11वें नंबर पर रही। आगे चलकर 2000 में लुइस फोंसी की एक और एल्बम आई जिसका नाम था एथर्नो और इस एल्बम को भी लोगों से खूब प्यार मिला और फिर आगे भी लुइस फोंसी के एमोर सिक्रेटो, फाइट द फीलिंग, अब्राजर ला विडा, पासो आ पासो और 8 की तरह ही कुछ और भी स्टूडियो एल्बम्स आती रही और अभी तक के एल्बम से लुइस फोंसी अपने देश में एक जाने माने सिंगर बन चुके थे। साथ ही लुइस ने 9/11 के हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म किया था और 2008 में उनका गाया हुआ एक गाना नो मी डोर पोर वैन की तो बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और इस गाने को लैटिन सॉन्ग ऑफ द डिकेड भी कहा जाता है। 2009 में लुइस फोंसी को एक्यूस्टॉय यो गाने के लिए लैटिन ग्रैमी अवार्ड भी मिला। हालांकि वर्ल्ड लेवल पर उनको पहचान दिलवाने वाला गाना तो 2017 में ही आया जिसका नाम है डेस्पासितो और इस गाने को लुइस फोंसी ने डैडी यंकी के साथ मिलकर गाया था। वैसे यह गाना तो 2016 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था लेकिन इसे रिलीज किया गया 12 जनवरी 2017 को। यह सॉन्ग 1996 के बाद से पहला स्पेनिश सॉन्ग बना जिसने कि बिलबोर्ड हॉट 100 के पहले नंबर पर अपना स्थान बनाया। इससे पहले 1996 में मैकारेना नाम के एक स्पेनिश सॉन्ग ने यह मुकाम पाया था। डेस्पासितो सॉन्ग रिलीज होने के बाद से जस्टिन बीबर ने 17 अप्रैल 2017 को इस गाने का रिमिक्स वर्जन रिलीज किया जिसे कि पहले 24 घंटे में ही यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले। और अगर लुइस फोंसी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 बार शादी की है। 2006 में एडमारी नाम की एक लड़की के साथ उन्होंने शादी की लेकिन 2010 में उनका तलाक हो गया और फिर आगे चलकर एजुएडा लोपेज के साथ वे फिर से शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों यह थी कहानी लुइस फोंसी की जो कि सिर्फ एक गाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। हालांकि भले ही उनका गाया हुआ डेस्पासितो गाना हमारे समझ में ज्यादा नहीं आता है लेकिन इसका फील ही ऐसा है कि बस इसे सुनते रहने का दिल करता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.